welcome back to our channel. I'm Jolly. And I'm Nikita. कैसे आप सब? I hope आप बहुत अच्छे हो. So guys, आज हम reaction देने जा रहे हैं कुछ अलग वीडियो पे जिसका टाइटल है बायोग्राफी और शाहिद अफरीदी. और ये फर्स्ट टाइम है कि हम किसी क्रिकेटर की बायोग्राफी पे रिएक्ट कर रहे हैं. सो गाइज, काफी सारे कमेंट्स भी आ रहे थे तो हमने सोचा क्यों नहीं, हमें देखना चाहिए इनकी बायोग्राफी. तो बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है इंटरेस्टिंग होने वाली है और साथ मोटिवेशनल भी होने वाली है. और साथ में इसके जो थंबनेल है उसमें लिखा हुआ है बूम बूम अफरीदी. सो गाइज, हमें भी पता है कि इनको इस नाम से बुलाया जाता है क्योंकि वो जो सिक्स और फोर मारते हैं जब वो फॉर्म में होते हैं. तो गाइस, देखते हैं वीडियो कैसी थी. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना. और गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, आप हमारे वीडियो को देखकर चले जाते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो क्यों नहीं करते? आपको सिर्फ और सिर्फ एक सेकंड लगेगा, तो प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो. और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना. लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. सो गाइस, मेक श्योर टू फॉलो अस. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान टीम के स्टार ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी की, जिन्हें उनकी अग्रेसिव बैटिंग की वजह से पूरी दुनिया बूम बूम अफरीदी के नाम से जानती है. और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा शाहिद अफरीदी की जिंदगी और उनके क्रिकेटिंग करियर से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो आप शायद ही जानते होंगे. शाहिद अफरीदी का जन्म 1 मार्च 1980 को खैबर पाकिस्तान में हुआ था और बचपन से ही अफरीदी को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था और वो इमरान खान और वसीम अकरम को अपना रोल मॉडल मानते थे. और अफरीदी का भी सपना था कि वो भी एक दिन पाकिस्तान टीम के लिए क्रिकेट खेलें. और क्रिकेट के लिए अफरीदी का जुनून इतना था कि वो कई बार स्कूल जाने के लिए घर से निकलते थे और सीधा ग्राउंड में पहुँच जाते थे. और शायद यही वजह थी कि जब अफरीदी सिर्फ 6th क्लास में थे तो उन्हें इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने के लिए सिलेक्ट किया गया, जिसमें ज़्यादातर 10th और 12th के बच्चों को शामिल किया जाता है. शाहिद अफरीदी एक ऑलराउंडर थे जो अपनी शानदार लेग स्पिन और पिन हिटिंग बैटिंग के लिए जाने जाते थे. और जूनियर क्रिकेट में शानदार परफॉर्मेंस के बाद अफरीदी ने सिर्फ 14 साल की उम्र में कराची की तरफ से अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया. और साल 1994-95 की कैद आजम ट्रॉफी में अफरीदी ने 5 मैचों में 9.5 की बॉलिंग एवरेज से 42 विकेट लिए और कराची को साल 1994-95 की कैद आजम ट्रॉफी भी जितवाई. और पाकिस्तान टीम में भी अफरीदी को एक लेग स्पिनर के तौर पर सिलेक्ट किया गया था. ये बात है अक्टूबर साल 1996 के समीर कप की, जो कि एक 4 नेशन टूर्नामेंट था जिसमें पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, केनिया और श्रीलंका की टीमें शामिल थी. लेकिन इस टूर्नामेंट के बीच में ही पाकिस्तान टीम के लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद इंजर्ड हो गए थे और पाकिस्तान टीम को जल्द से जल्द एक लेग स्पिनर की ज़रूरत थी, जिसके लिए वसीम अकरम ने हारून रशीद को फ़ोन किया जो कि उस समय पाकिस्तान अंडर 19 टीम के कोच और सिलेक्टर थे. हारून रशीद ने वसीम अकरम को बताया कि उनके पास अंडर 19 टीम में एक लेग स्पिनर है शाहिद अफरीदी और उन्होंने अफरीदी को समीर कप खेलने के लिए केनिया भेज दिया. और जब अफरीदी ने पाकिस्तान टीम को केनिया में ज्वाइन किया तो पहले 2-3 दिनों तक उनसे नेट्स में सिर्फ बॉलिंग कराई गई क्योंकि वो टीम में एज ए लेग स्पिनर आए थे. और 2 अक्टूबर 1996 को अफरीदी ने केनिया के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया और इस मैच में अफरीदी ने 10 ओवर में 32 रन दिए और उन्हें कोई विकेट नहीं मिला और ना ही इस मैच में अफरीदी को बैटिंग करने का मौका मिला. लेकिन इस मैच के अगले दिन नेट सेशन खत्म होने से पहले वसीम अकरम ने यूं ही अफरीदी से पूछ लिया कि क्या तुम्हें बैटिंग आती है, तो अफरीदी ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ हाँ कहा और बैटिंग करने चले गए. और वसीम अकरम की पहली ही बॉल पर अफरीदी ने उठाकर शॉट मारा और बॉल ग्राउंड से बाहर. और ये देखकर वसीम अकरम बहुत ही हैरान हुए और उन्होंने सोचा कि शायद इसका तुक्का लग गया है. लेकिन अगली बॉल पर बकार यूनिस को भी अफरीदी ने उठाकर शॉट मारा और वो भी ग्राउंड से बाहर. और इसी तरह अफरीदी ने वसीम और बकार दोनों को ऐसे ही शॉट्स लगाए और इसी तरह वो प्रैक्टिस सेशन खत्म हो गया. लेकिन अगले दिन वसीम अकरम ने अफरीदी को थोड़ा पहले बैटिंग करवाई और उन्हें न्यू बॉल से बॉलिंग की, लेकिन अफरीदी ने फिर वही बैटिंग की और उसी तरह लंबे लंबे शॉट्स लगाए. तो था ही नहीं कोई लेग स्पिनर, लेग स्पिनर चाहिए था तो शायद आ गया. अब इसको बॉलिंग कराई हमने नेट में 2-4 दिन बॉलिंग कराई, मैच हुआ, लिफ्ट लुफ्ट नहीं कराई, बल्ला बुल्ला नहीं दिया किसी ने. पाकिस्तान टीम में आया एज अ बॉलर, बैटिंग का करा देंगे इसको. तो एक दिन एंड में हमने कहा चाहे मैं पैड करके दिखा दें, बैटिंग आती, करे हाँ हाँ आती है, बड़ा कॉन्फिडेंस है यार. तो फिर भी आया, वो ग्राउंड भी ठीक ठाक थी, मैंने ऐसे बॉल किया, इसने खड़े खड़े ऐसे किया गेंद ग्राउंड के बाहर, मैं अगर तुक्का लग गया यार. बकार ने किया ऑफ ब्रेक, वो भी ग्राउंड के बाहर, मैं चलो ये भी तुक्का लग गया. गेंद खत्म हो गया थोड़ी देर बाद, हमने कहा चलो यार शायद तुक्का लग गया. आज एंड में आ गया, अगले दिन इसको हमने नई नई गेंद लेके ना फिर बैटिंग कराई जरा पहले, इसने फिर वही बैटिंग. इसके बाद वसीम अकरम ने
सईद अनवर और रमीज राजा से बात की और कहा कि अगर अगले मैच में ज़रूरत पड़े तो हम अफरीदी को एक पिंच हिटर के तौर पर ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वसीम अकरम के पिता की तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें वापस पाकिस्तान लौटना पड़ा और वो अगला मैच नहीं खेल पाए, जिसके बाद 4 अक्टूबर 1996 को श्रीलंका के खिलाफ अफरीदी को नंबर 3 पर भेजा गया और अफरीदी ने उस मैच में 37 गेंदों पर सेंचुरी लगाकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और अपनी शानदार इनिंग में अफरीदी ने 11 छक्के और 6 चौके लगाए और अफरीदी 16 साल की उम्र में वनडे क्रिकेट में सेंचुरी लगाने वाले सबसे यंगेस्ट बैट्समैन बने, जो कि आज भी एक रिकॉर्ड है। और उस समय अफरीदी की सेंचुरी की बहुत अहमियत थी, क्योंकि उस समय बैट्समैन वनडे क्रिकेट में सेंचुरी लगाने के लिए एवरेज 110 से 120 बॉल लिया करते थे और उस समय 260 से 270 रन वनडे में एक विनिंग स्कोर माना जाता था। और वहीं शाहिद अफरीदी 37 बॉल पर सेंचुरी लगाकर रातों रात स्टार बन गए थे और उस दिन के बाद से पाकिस्तान टीम ने अफरीदी से ओपनिंग करानी शुरू कर दी और एक नया ओपनिंग पेयर बनाया गया जो था शाहिद अफरीदी और सईद अनवर का। और अफरीदी से ओपनिंग कराने का सिर्फ एक ही मतलब था कि पावर प्ले के 10 से 15 ओवर्स में ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाए जा सकें। और अफरीदी और सईद अनवर की जोड़ी कुछ हद तक इसमें कामयाब भी रही, क्योंकि लेट 90s में कई बार ये देखा जाता था कि पाकिस्तान की टीम पहले 10 ओवर में ही 70 से 80 रन बना लेती थी, लेकिन कई बार ऐसा भी होता था कि अफरीदी गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर जल्दी आउट भी हो जाते थे, इस वजह से उन्हें क्रिटिसाइज भी किया जाता था। अफरीदी एक एग्रेसिव बैट्समैन होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे लेग स्पिनर भी थे और कई बार वो अपनी बॉलिंग से भी पाकिस्तान को मैच जिता देते थे। और साल 1998 में अफरीदी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया, जिसमें उन्होंने 5 विकेट लिए। हालांकि इस मैच में अफरीदी अपनी बैटिंग से कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन अफरीदी को टेस्ट क्रिकेट में सक्सेस मिली साल 1999 के इंडिया के हिस्टोरिक टूर पर, जहां अफरीदी ने चेन्नई टेस्ट में ओपनिंग करते हुए 141 रन बनाए और अपने करियर की पहली टेस्ट सेंचुरी लगाई और पाकिस्तान टीम ने इस मैच को 12 रनों से जीत लिया। शाहिद अफरीदी 1996 से 2003 तक वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान टीम के रेगुलर ओपनर रहे और उन्होंने सबसे ज़्यादा बार सईद अनवर के साथ ओपनिंग की, लेकिन बीच बीच में अफरीदी इमरान नज़ीर और सलमान भट्ट के साथ भी ओपनिंग करते नजर आए। लेकिन 2003 के बाद अफरीदी को नंबर 6-7 पर एक फिनिशर के तौर पर भेजा जाने लगा और अफरीदी ने अपनी बॉलिंग पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। लेकिन 2004 में अफरीदी का बैटिंग ग्राफ गिरने लगा, जिससे उनके सिलेक्शन पर भी सवाल उठने लगे। लेकिन 2004 में जब पाकिस्तान इंडिया से होम सीरीज में हार गई तो जावेद मियांदाद को हटाकर बॉब वुलमर को पाकिस्तान का नया कोच बना दिया गया और बॉब वुलमर ने अफरीदी को पूरा सपोर्ट किया। और ना सिर्फ वुलमर ने अफरीदी को टीम में रखा, बल्कि वुलमर ने अफरीदी की बैटिंग को इम्प्रूव करने में और सही शॉट सिलेक्शन करने में अफरीदी की काफ़ी मदद की। और बॉब वुलमर ने 2005 में अफरीदी से दोबारा ओपनिंग करानी शुरू की और साल 2005 के इंडिया टूर पर अफरीदी ने कानपुर वनडे मैच में 45 बॉल पर सेंचुरी लगाई, जो कि उस समय वनडे में दूसरी सबसे तेज़ ओडीआई सेंचुरी थी। और अपनी शानदार इनिंग में अफरीदी ने 10 चौके और 9 छक्के लगाए। और अफरीदी ने इस मैच में जिस तरह बैटिंग की, उसे देखकर रवि शास्त्री ने अफरीदी को बूम बूम अफरीदी का टाइटल दिया। और 2005-06 के दौरान शाहिद अफरीदी अपनी करियर की पीक पर थे और वेस्टइंडीज़ और इंग्लैंड के खिलाफ भी दोनों ही फॉर्मेट्स में अफरीदी ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखी। और जब साल 2006 में इंडिया ने पाकिस्तान का टूर किया तो वहाँ भी अफरीदी ने अपनी अच्छी फॉर्म जारी रखी और 3 टेस्ट मैचों में अफरीदी ने 2 सेंचुरी और 1 हाफ सेंचुरी लगाई। और साल 2007 T20 वर्ल्ड कप में अफरीदी अपनी ऑलराउंड परफॉर्मेंस की वजह से मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे। और 2009 T20 वर्ल्ड कप में अफरीदी ने गेंद और बल्ले दोनों से ही कमाल दिखाते हुए पाकिस्तान को 2009 का T20 वर्ल्ड कप जितवाया। अफरीदी ने इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 34 गेंदों पर 51 रन बनाए और 2 विकेट भी लिए। और फाइनल में भी अफरीदी ने 54 रन बनाए और पाकिस्तान को वर्ल्ड T20 चैंपियन बनाया। और इसी साल अफरीदी को T20 टीम का कैप्टन बनाया गया और 2010 में अफरीदी को वनडे टीम की कप्तानी भी सौंप दी गई। और 2011 के वर्ल्ड कप में अफरीदी अपनी शानदार बॉलिंग के दम पर पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक ले गए थे। हालांकि अफरीदी अपनी बैटिंग से इस वर्ल्ड कप में कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन अफरीदी ने इस वर्ल्ड कप के 8 मैचों में 21 विकेट लिए और वो इस वर्ल्ड कप में ज़हीर खान के साथ हाईएस्ट विकेट टेकर रहे। और वर्ल्ड कप 2011 के बाद पाकिस्तान टीम को वेस्टइंडीज़ का टूर करना था, जहां पाकिस्तान एक T20 मैच हार गया, लेकिन पाकिस्तान ने वनडे और टेस्ट सीरीज जीत ली थी। लेकिन इस टूर के बाद पाकिस्तान टीम के कोच वकार यूनिस ने PCB को एक रिपोर्ट लिखी,
जिसमें उन्होंने अफरीदी को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि अफरीदी एक बहुत ही इमैच्योर कैप्टन है जो कि किसी की भी सलाह लेना पसंद नहीं करते और ना ही उनमें डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ है। जिसके बाद अचानक अफरीदी को वनडे और T20 की कैप्टनसी से हटा दिया गया और उनकी जगह मिसबा उल हक को पाकिस्तान टीम का नया कैप्टन बना दिया गया। जिसके बाद अफरीदी ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सीनियर प्लेयर्स को कोई इज्जत नहीं देता और वो ऐसे माहौल में क्रिकेट नहीं खेल सकते। जिसके बाद अफरीदी ने क्रिकेट से अपनी कंडीशनल रिटायरमेंट अनाउंस कर दी और उन्होंने कहा कि जब तक PCB बोर्ड चेयरमैन को बदला नहीं जाएगा तब तक वो पाकिस्तान टीम में वापसी नहीं करेंगे। जिसके बाद पाकिस्तान के लोगों ने भी अफरीदी को पूरा सपोर्ट किया और 6 महीने के बाद अक्टूबर 2011 में PCB चेयरमैन इजाज भट्ट को हटाकर ज़ाका अशरफ को पाकिस्तान का नया बोर्ड चेयरमैन बनाया गया और नवंबर 2011 में श्रीलंका के खिलाफ अफरीदी ने टीम में वापसी की और इस सीरीज़ में अफरीदी ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 5 वनडे मैचों में 13 विकेट लिए, जिसके बाद उन्हें मैन ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड मिला। और साल 2013 के वेस्टइंडीज टूर पर अफरीदी ने पहले वनडे मैच में 76 रन बनाए और 12 रन देकर 7 विकेट लिए, जो कि वनडे क्रिकेट की हिस्ट्री की सेकंड बेस्ट बॉलिंग फिगर्स हैं। और दिसंबर 2014 में अफरीदी ने वनडे क्रिकेट से अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी और उन्होंने कहा कि 2015 का ICC वर्ल्ड कप उनका आखिरी वनडे टूर्नामेंट होगा। लेकिन इस वर्ल्ड कप में अफरीदी की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रही थी और पाकिस्तान टीम भी इस वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में ही बाहर हो गई थी, जिसके बाद मिसबा और अफरीदी दोनों ने इस वर्ल्ड कप के बाद वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली थी। और 2016 T20 वर्ल्ड कप के बाद अफरीदी ने T20 से भी रिटायरमेंट ले ली थी, लेकिन आज भी अफरीदी PSL और CPL जैसी कई T20 लीग्स खेलते हैं। लोग हमेशा अफरीदी को एक बैट्समैन के तौर पर देखते थे और जब उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 37 बॉल पर सेंचुरी लगाई तो लोगों की उम्मीदें उनसे और बढ़ने लगी। लेकिन अफरीदी ने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि वो खुद को एक बैट्समैन से ज़्यादा एज ए बॉलर देखते हैं जो कि आखिरी ओवर्स में आकर हिटिंग कर सकता है। अपने लंबे करियर के दौरान अफरीदी को उनकी बैटिंग की वजह से कई बार क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि वो कई बार बड़े शॉट लगाने के चक्कर में जल्दी आउट हो जाते थे। लेकिन ये बात भी सच है कि अफरीदी ने कई बार पाकिस्तान को ऐसी सिचुएशन से भी मैचेस जिताए हैं जहाँ से कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस सिचुएशन से भी पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है। और अफरीदी के लिए फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन कैप्टन स्टीव वॉ ने एक बार कहा था कि अगर आप मुझे 10 लकड़ी के टुकड़े और एक शाहिद अफरीदी दे दें तो मैं आपको वर्ल्ड कप लाकर दे दूंगा। और युवराज सिंह ने भी अफरीदी के लिए एक बार कहा था कि मैं एक ओवर में 6 छक्के लगाकर भी वो शौहरत हासिल नहीं कर पाया जो कि शाहिद अफरीदी के पास हैं। और विव रिचर्ड्स ने भी अफरीदी के लिए एक बार कहा था कि मैंने क्रिकेट की हिस्ट्री में अफरीदी जैसा पावर हिटिंग बैट्समैन नहीं देखा। तो चलिए अब एक नज़र डालते हैं शाहिद अफरीदी के कुछ रिकॉर्ड्स पर। वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अफरीदी के ही नाम है। अफरीदी ने 398 वनडे मैचों में 351 छक्के लगाए हैं। शाहिद अफरीदी दुनिया के इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिसने वनडे क्रिकेट में 3 बार 50 से ज़्यादा रन और उसी मैच में 5 या 5 से ज़्यादा विकेट लिए हैं। शाहिद अफरीदी वनडे क्रिकेट में 8,000 रन और करीब 400 विकेट लेने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं। अफरीदी को T20 क्रिकेट से रिटायर हुए 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज भी T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अफरीदी के ही नाम है। अफरीदी ने 99 T20 मैचों में 98 विकेट लिए हैं। क्रिकेट के अलावा अफरीदी शाहिद अफरीदी फाउंडेशन नाम से एक चैरिटी चलाते हैं जिसे साल 2014 में बनाया गया था और इस चैरिटी ने पाकिस्तान में हज़ारों गरीब बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनके रहने का खर्च उठा रखा है। लेकिन जिस दिन भी क्रिकेट का इतिहास लिखा जाएगा अफरीदी को एक ऐसे ऑलराउंडर के तौर पर याद किया जाएगा जिसने पूरी दुनिया को ये बताया कि अपनी इनिंग्स की पहली बॉल पर भी छक्का लगाया जा सकता है। और जब भी क्रिकेट में पावर हिटिंग की बात आएगी तो उसमें शाहिद अफरीदी का नाम ज़रूर आएगा। तो दोस्तों, ये थी एक वीडियो पाकिस्तान टीम के स्टार ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि और किस प्लेयर के बारे में आप वीडियो देखना चाहेंगे। सो गाइस, हमारे चैनल पे फर्स्ट ऐसी वीडियो होगी, मतलब हमने पहली बार ऐसी किसी क्रिकेटर की मतलब बायोग्राफी देख रहे हैं। हाँ, देख रहे हैं। और गाइस, हम सच में बहुत ज्यादा शॉक्ड हैं क्योंकि हमें, मुझे तो मतलब मैं इतना नहीं देखती फिर भी क्रिकेट, मतलब फिर भी थोड़ा बहुत बट मुझे इतना कुछ भी नहीं पता था, बट स्टिल मेरे को पता चला था। मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हूँ क्योंकि
मतलब लोगों ने इनका बड़ा मतलब वैसे वैसी चीजें उनको सबको पता होगी कि इनने इतने रिकॉर्ड्स तोड़े हैं ये सब, बट लोगों को ये नहीं पता होगा कि वो जब सिक्स क्लास में थे तब से ही उन्होंने कर लिया था। मतलब लाइक इन्होंने बताया था जैसे कि वो सिक्स क्लास में थे तभी उन्होंने उस टूर्नामेंट में इनको मतलब उन्होंने लिया था पार्टिसिपेट जिसपे 11th एंड 12th के बच्चे मतलब पार्टिसिपेट कर रहे थे और उन्होंने उनके साथ कम्पीट किया। मतलब यही बहुत बड़ी बात है कि सिक्स कहाँ रहेगा और 11th 12th के बच्चे कहाँ रहेगा, जो मतलब करते हैं वो बड़े होके वो प्रोफेशन नहीं चूज करते हैं, बट हम बहुत खुश है कि उन्होंने क्रिकेट कंटिन्यू रखा, नहीं तो आज वो जो है वो शायद वो नहीं होते। और उनके इतने ज्यादा हमने जैसे इन्होंने बताया कि उन्होंने इतने इतने विकेट लिए हैं, मतलब सीरियसली मतलब सोचने वाली बात है, एक एक मैच में 7-8 मतलब बहुत बहुत बड़ी बात है। और ये बात भी बहुत बड़ी बात है कि वो इतने टाइम तक मुझे लगता है सबसे लंबा वही खेले क्योंकि वो बहुत पहले से खेल रहे थे और अब जाके वो रिटायर हो रहे हैं। क्योंकि एज ही कौन सी थी जब उनकी जब उन्होंने स्टार्ट किया था, 95 पता नहीं है खेल ही रहे PSL में, बोल रहे थे अभी वो खेलते PCL में, अभी भी खेलते ही अभी भी उसमें खेलते हैं, बहुत बड़ी बात है इतना फॉर्म में रहना। नहीं तो आजकल जो क्रिकेटर्स होते हैं नॉर्मली वो 6-8 साल तक ही फॉर्म में रहते हैं फिर वो रिटायरमेंट ले लेते हैं, बट ये इतने टाइम तक खेल रहे थे। बट बीच में भी कुछ प्रॉब्लम्स भी हुई थी जैसे उन्होंने बोला था रिटायरमेंट के लिए, तो मतलब बट फिर भी बाद में कुछ ना कुछ होने के बाद में भी उन्होंने बाद में अपना स्टार्ट करा दोबारा से। तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत अलग वीडियो थी हमारे लिए गाइस, हमें काफी ज्यादा पसंद आई। आप लोग बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, सो गाइस मेक श्योर टू फॉलो अस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।